हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो आज का व्यू। अभी टाइम हो रहा है 6:55। ये हमारी सीढ़ियां है। भैया आ चुके हैं। ये हमारा जमरुक का झाड़ है, पड़ोसी के घर है। भैया कुछ सामान लाए हैं। ये हमारे फ्रेंड का घर है। ये हमारा सेकंड फ्लोर है। वो बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, हेलो। सब कुछ कैसा लगा? अभी भैया की स्प्लेंडर आने वाली है। लेट्स गो। भैया आ चुके हैं। वहां पे हमारे बकरे देख सकते हो। ये बिल्ली इधर आ चुकी है, देख सकते हो। ये हमारे सेकंड फ्लोर की लादी, ये डोर। दिख रहा हो तो अच्छा यार। मैं ओ भाई, ये गोल गोल घूम पे तो गोपी सीरियल किया जा गई, मतलब मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है। मीम देखी थी मैंने। और ये हमारा गांव का वेदर, वहाँ पे एक होस्टेल क्रिएट हो रहा है। और ये है गिरनारवा, जो पीछे दिख रहा है एक माउंटेन, वही है गिरनार। तो अभी मैं नीचे उतर जाता हूँ। वाह क्या रे, हमारी जमरुखी है। ये हमारा गेट, जिसको कि डेला कहते हैं। कपड़े सूख रहे इधर पे। ये हमारी जमरुखी में जमरुख थोड़े बहुत काम है। रेती का ढीला, यहाँ पे छाछ का पूड़ी का। भैया बहुत बिजी है, जा रहे हैं। और ये बकरी जिसकी आंखें भूतिया जैसी है, वो वाली भी, इसकी आंखें भूतिया नहीं है, क्योंकि ये सब लाइट का कमाल है। लाइट सबको भूत बना देती है। ये बच्चे का खिलौना। यहाँ पे रोटी बनने की तैयारी हो रही है। दादी माँ रोटी पकाएगी अभी। और ये पिलर अधूरा है, इधर पे घर बनने वाला है। घर बनेगा तो मैं आपको रोटियां बनाएंगे, सब खाएंगे गर्मा गर्म। दादी की बातें सुन सकते हो आप लोग, रोटियां बनाएंगे, खाएंगे गर्मा गर्म। टन। और ये देखो, किसी और की पतंग हमारी जमरुखी पे अटक पड़ी है और वो फट चुकी है, पता नहीं किसकी है। चलो थोड़ा बहुत शेरी का माहौल दिखा रहा हूँ। आखिरकार क्या है शेरी का माहौल? खोल जा सेम सेम। तो यहाँ पे बकरे जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। इस साइड को नहीं दिखा सकता, कुछ लोग आ रहे हैं, पता नहीं बोले क्या भाई ये वीडियो शूटिंग क्या कर रहा है, चाल वाल नहीं है ना। एक सेकंड भाई, डेला बंद करो, चोर कुत्ता गाय भैंस कुछ भी घुस जाएगा और मेरी प्यारी सी जमरुखी के जमरुख खा जाएगा। बाकी इसमें टबूड़े नहीं आए, मतलब कि लींबू नहीं आए। लींबू को मैं टबूड़ा कहता है। मेरा टुआल, पापा का शर्ट, पापा का शर्ट, पापा की पैंट, पापा का शर्ट, पापा की पैंट। बकरे भी देख सकते हो, ये पता नहीं क्या है, ये सामेना है। इससे ये पूरा मैदान है ना, इसको फलिया कहते हैं, ये साफ होता है।
अभी काम पक्का है। ये अपने बड़े पापा का घर है, यहाँ पे भी खाना पक रहा है। भैया अपना काम पता कर वापस आ चुके हैं और दादी माँ की तैयारी चालू हो चुकी है, खाना पकाने की, रोटियां पकाने की। अभी चूल्हा सिलगाएगी और जर्दा पक रहा है। आज खाने में जर्दा पक रहा है, मीठा जर्दा। चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे पक रहा है हलवा, देख सकते हो आप। इसको हिलाना है ऐसे ऐसे चिमचे से, ये चाशनी है जिसको भी हिला रहे हैं क्या बताएगा? बहुत ही जोर से। दादी कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे, वो दूर है। ये चावल है, बाकी चलते हैं अब इधर से। यहाँ पे अब्बा मतलब कि दादा सो रहे हैं, लाइट करके नींद खराब कर दिया। हमने अभी खाए थे घुघरे, ये तुम्हारे भाई आफ्ताब भाई के सैंडल है, ये उन्होंने देखा है सिंगर। जो कि पता नहीं ऐसे क्यों बिखरे पड़े। इसको मैं पहनता नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद। मेरे पास 5-6 चप्पल है, उसमें मुझे बूट पहनना पसंद है। दादी माँ आटा गूनने लगे हैं, वो बता रहे कि इतने बेकार चप्पल मत दिखाओ, अपने मेन चप्पल दिखाओ। वो मैंने भाई अंदर रखे हुए है, लाइट वाले बूट है, रात को चमकते हो। और ये है कुछ नहीं, ये मोरी है, इधर कपड़े धोते हैं। इस बेलर और इस बेलर में पानी। दादी माँ बोल रहे इसको चौकड़ी कहते हैं। ये भैया की स्प्लेंडर, ओ बिल्ली का बच्चा। ये देखो इसका नाम मैंने रखा है छोटू। हेलो छोटू, देखा देखा रहा है मेरे पे, ओए छोटू। ओ भाई गजब बेइज्जती है यार। ओए छोटू ये देखो, देखा कर क्या रहा है ये। हेलो छोटू, क्या कर रहा है? कचरे के डिब्बे के बाजू में क्या खड़ा है रे तू? ए छोटू भाई गजब बेइज्जती, भाव नहीं दे रहे तो। ओ भाई वो बोल रहा है बंदा क्या मेरे पर अटैक करने वाला है। गली भुला गई है, तुम ले आओ। दादी माँ तेल की बहनी भूल गए, तो अब हमें ही लानी पड़ेगी। यहाँ से ये तेल की बहनी ले लेते हैं और दादी माँ को दे देते हैं। लो लो वहां पे वो बिल्ली के बच्चे की माँ है, ये वाली, इसका नाम हमने रखा है छन्नू। मतलब 95 के बाद छन्नू आता है, वो वाला छन्नू नहीं, इसका नाम है छन्नू छन्नूड़ी। रमजान पूरे के पूरे 2 घंटे बाद आग हो चुकी है, हम लोग या चूल्हे बढ़िया पास बढ़िया बैठ चुके सब्जी हैं। दादी माँ रोटियां गल रहे हैं, चूल्हा सिलक चुका है। अभी दादी माँ दिखाएगी रोटियां कैसे गढ़ते हैं। पहले यहाँ से ऐसे गोल 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 बनाते हैं। अभी दादी माँ इसको फिराएंगे ताकि जले ना ये। ये जब तक बनती है तब तक दादी माँ इसको भी गोल कर देते हैं ताकि समय की बचत हो। इसको ऐसे हिलाते रहना है ताकि दोनों साइड से वो पके, नहीं तो एक साइड से कच्ची एक साइड से पक्की, खाने के मजा बिगड़ जाएगा। ये सब लकड़े हैं जो कि हमने मंगवाए हैं 1000 रुपये के। तोड़ने जाएगी क्या हम? मंगवाए 1000 रुपये के, ये देख सकते हो। दादी की एक रोटी उतर चुकी है, अब इसको ऐसे दो हाथ में लेके डाल दो और यहाँ से एक और रोटी बनाने लगो। तो लड़को जो वीडियो देख रहे हैं सीख जाओ रोटी बनाना, अकेले पड़ोगे तो काम आएगा।
इसके अंदर थोड़ा आटा डाल के ऐसे गोल गोल करना है, फिर ऐसे दबा के वापस आटे में डालना है, और फिर बेलन मार के गोल करना है। ये वाली रोटी जले ना, इसका ख्याल रखना है। लो ना ना, मुझे लगा चूल्हा ठहर गया, थोड़ा सा ही, अब उसके बाद बुझ आग नहीं जाएगा। होती। दादी माँ बोल रहे आग नहीं हो रही है, इसको एकदम गोल करना है पूरा। इसका ख्याल रखना है जल ना जाए, इसमें ही नहीं रहना है अपने को, इसको फिराते रहना है टाइम सर। और ये आग ठर चुकी है, धुआं ज्यादा आ चुका है, तुम्हारे भाई को खांसी आ रही है, आग हो चुकी है। मोदी जी इस वीडियो को देख रहे तो माफ कर दो, प्लास्टिक हर एक सिटी में यूज हो रहा है मोदी जी। घासलेट बिना के मोदी ने कर लाके मोदी जी ने घासलेट बिना के कर डाले, घासलेट वो जो हम केरोसिन में डालते थे, वो चीज केरोसिन। केरोसिन भी बंद कर दिए, वो जमाना चला गया। अब ये चूल्हे का भी चला गया, लेकिन चूल्हे में खाना अच्छा बनता है, इसलिए हम चूल्हे में पकाते हैं। गैस में वो स्वाद नहीं आता जो चूल्हे में आता है। हमारा जर्दा बन चुका है, इसको खाते टाइम हिला डालना ताकि ये हमारे पास आ जाए, खा पाए हम। काजू बादाम भी डाले। दादा अभी भी लेटे हुए हैं, बूढ़े हो चुके हैं तो लेटना जरूरी है। यहाँ पे किसी का दातिया पड़ा हुआ है, अरे ऐसे दातिया तो हम फेंक देते हैं। बस 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 रॉक बोल से जा रहा पीछे। वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस।